नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ व्रत के थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस व्रत की थाली में मैंने कौन कौन सी रेसिपी बनाई है। पनीर की सूखी सब्जी बनाने के लिए यहां पे कढ़ाई में डालेंगे हम तेल। अब हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा, हरी मिर्च। जीरा यहाँ पर हमारा पक चुका है तो इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम होममेड पनीर इस्तेमाल करेंगे। एक से दो मिनट इसे भून लेना है। व्रत के लिए मैं हमेशा होममेड पनीर का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मार्केट वाला जो पनीर होता है उसमें मैदे की थोड़ी सी मात्रा होती है। तो इसीलिए अगर आप व्रत में पनीर की सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो हो घर पे ही या पनीर आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भुजिया बना रही हूँ इसीलिए मैंने पनीर को सेट नहीं किया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे होममेड गरम मसाला का पाउडर। तो मैंने कितनी बार बता दिया है कि होममेड जो गरम मसाला का पाउडर है उसमें मैंने लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, साबुत धनिया इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको बनाया है, इसलिए आप इसको आसानी से व्रत में खा सकते हैं। अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक। तो थोड़ा सा कम ही सेंधा नमक यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि पनीर की जो सूखी सब्ज़ी या फिर आप इसको भुजिया कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़ी सी जो मीठी लगती है ना, मीठापन जो रहता है कम नमक की वजह से, वैसे ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादा नमक अगर आप डाल देंगे तो बिल्कुल इसका जो टेस्ट है अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर पनीर को भूनते हुए हमें एक से दो मिनट हो चुके हैं और इसी के साथ हमारी जो पनीर की सूखी सब्ज़ी है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। थोड़े से मसाला यहाँ पर हमें कम लग रहे हैं और कोई मसाले हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए होममेड जो गरम मसाला का पाउडर है वही हल्का सा ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच यहाँ पे मसाला हमारा लगा है और अब जो सब्ज़ी का कलर है वो यहाँ पे अच्छा आया है। गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारी जो पनीर की सूखी सब्ज़ी है कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो इसको आप रोटी या फिर पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अब हम बना लेते हैं फ्रूट सलाद। यहाँ पर फ्रूट सलाद हम बना रहे हैं आम, अमरूद और केला से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। केला को पील ऑफ कर देंगे। मैंगो के एक स्लाइस को लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना। मैं यहाँ पे एक आदमी के लिए व्रत का खाना बना रही हूँ। अमरूद भी पूरा नहीं लेना हमें, छोटा सा कट कर लिया मैंने। एक बाउल ले लेंगे, इसमें फ्रूट्स को कट करके डालेंगे। फ्रूट सलाद बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका अगर आपको बनाना है तो इसमें आप सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल करके इसको बना सकते हैं। एक राबड़ी के साथ मैंने इसे बना करके दिखाया हुआ है और वो रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप चाहते हैं तो उस रेसिपी को जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आज जो मैं फ्रूट सलाद बना रही हूँ वो थोड़ा सा अलग तरीके का बना रही हूँ। सारे फ्रूट्स को आपको बाउल में कट करके डाल देने हैं। इन सबों को भी निकाल करके डाल देंगे इस तरीके से। फ्रूट सलाद आप भगवान को भोग में भी लगा सकते हैं और इसको खा भी सकते हैं व्रत में, दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आधा चम्मच शुगर पाउडर इसमें डाल देंगे और एक पेड़ा लेंगे। बिल्कुल अलग तरीके का आज जो फ्रूट सलाद मैं बना रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट तरह की रेसिपी है। आज तक ऐसी फ्रूट सलाद की रेसिपी यूट्यूब पे किसी ने नहीं शेयर की है, मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको एक छोटी कटोरी में डाल देंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी जो फ्रूट सलाद है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल अलग तरीके की फ्रूट सलाद है। आप लोगों ने ऐसी फ्रूट सलाद आज से पहले बिल्कुल नहीं खाई होगी और यकीन मानिए अगर आप इसको ट्राई करेंगे
तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद लगी आने वाली है ये रेसिपी। तो फ्रूट सलाद हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं पनीर रोटी की तरफ। कोई भी आटा यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे छेना, गरम मसाला पाउडर, रॉक साल्ट, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल करके हम आटा गूंद लेंगे। आटा हमारा रेडी हो चुका है, तो अब रोटियां बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मोटी मोटी हम रोटियां बनाएंगे और छोटी छोटी बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे छेनी का इस्तेमाल किया है। हम आटे में से छोटी सी लोई निकाल लेंगे, इसको सूखे आटे में लपेट लेंगे और अब रोटियां बेल लेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी आपको बेलनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी। ये देखिए, मैं आपको इसकी जो मोटाई है वो दिखा देती हूँ कि कितनी मोटी आपको यहाँ पे रोटी बेलनी है। ये देखिए इतनी मोटी आपको रोटी बेलनी है। तो चलिए अब इसको सेक लेते हैं। तवे को मैंने गर्म होने के लिए डाला हुआ था, इसके ऊपर अपनी रोटियों को डाल देंगे। इसको पलटेंगे, घी लगा लेंगे, दोनों साइड में अच्छे से घी लगा करके हमको इसे सेक लेना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए रोटी को मैंने अच्छे से सेक लिया है। अगर आप चाहे तो इस पे घी नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप घी हल्का सा लगा देंगे तो यहाँ पे जो छेने वाली रोटी है, जिसको कि आप छेना का रोटी या फिर पनीर वाली रोटी कुछ भी बोल सकते हैं, काफ़ी टेस्टी बनती है और इजीली बन करके रेडी हो जाती है। तो इसी तरीके से सभी रोटियों को यहाँ पे हमें बेल करके और सेक लेना है। तो इसको एक प्लेट में डालेंगे। अब हम बना रहे हैं आज की लास्ट रेसिपी, जो कि है साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर बनाने के लिए दूध को गर्म होने के लिए मैंने डाला हुआ है और यहाँ पे साबूदाने को भिंगो करके भी मैंने रखा हुआ है। मैं छोटे साबूदाने जो होते हैं, छोटे दाने वाले, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो खीर है काफ़ी टेस्टी भी बनती है और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो मैदा होता है वो नहीं होता है और बड़े वाले साबूदाने में मैदा की मात्रा थोड़ी सी रहती है, तो इसलिए हम हमेशा छोटे वाले साबूदाने ही इस्तेमाल करते हैं। तो भिंगोए हुए साबूदाने को हम दूध में ऐड कर लेंगे। अब इसको चला लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे इसी तरीके से आप इसको चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे जो है चिपकना स्टार्ट हो जाती है। 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है साबूदाने को कुक होने में। तो ये हम गैस के फ्लेम को हम कर देते हैं बिल्कुल लो, और 15 से 20 मिनट के बाद जब हमारी साबूदाना पूरी अच्छे से कुक हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमारा साबूदाना अच्छे से कुक हो चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, इलायची का पाउडर, और अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हम वेट करेंगे, एक मिनट, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए हमारी साबूदाना की खीर है उसमें। एक मिनट हो चुका है, उसी के साथ चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है साबूदाने की खीर में। एक कटोरी में हम खीर निकाल लेते हैं और कर लेते हैं अपने थाली की प्लेटिंग।